नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य, आप देख रहे हैं इंजीनियर दोस्त। दोस्तों, आज किसी वीडियो में हम बात करेंगे स्विच के प्रकार के बारे में कि आखिर ये स्विच कितने प्रकार का होता है और आपको अपने घर में कौन सा स्विच लगाना चाहिए, कहाँ पे कौन सा स्विच लगाना चाहिए। तो आज किस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा सब रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच के प्रकार में कि आखिर स्विच कितने प्रकार का होता है और कौन सा स्विच हमें कहाँ पे लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि कैसे ये हो सकता है। दोस्तों, स्विच जो होते हैं वो 4 से 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन स्विच कितने प्रकार का होता है, कैसे यूज किया जाता है, चलिए सबसे पहले मैं आप सभी स्विच के बारे में सबसे पहले बताता हूँ कौन सा स्विच कहाँ पे यूज किया। हमें 5 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे स्विच होते हैं, लेकिन जो जनरली हम लोग घरों में यूज करते हैं वो होता है 5 प्रकार के स्विच। और इन्हीं 5 प्रकार के स्विच के बारे में यूज बताएंगे कि कौन सा स्विच कैसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बेड स्विच। बेड स्विच का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम लोग सोते हैं वहीं बेड के पास एक स्विच लगा देते हैं, कि मतलब कि हम जब भी वहीं बेड से सोए सोए हम अपने लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वहाँ पे बेड स्विच होता है। और ये जो स्विच होता है यह जनरली होता है हमारा 3 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक। ये जो हमारा स्विच होता है ये 3 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक होता है। इसमें आप इस पे आप लोड कब लगभग में 4 एम्पियर तक दे सकते हैं, लगभग में 3 एम्पियर बहुत ज़्यादा हो जाता है बेड स्विच के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि होता है बोर्ड स्विच। दोस्तों, बोर्ड स्विच जो होता है ये हमारा 6 एम्पियर से लेकर 16 एम्पियर तक होता है। अब 6 एम्पियर से जो कि नॉर्मली हम लोग घरों में जैसे मोबाइल चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, टीवी, ये सब चीज़ों के लिए हम 16 एम्पियर का यूज करते हैं। लेकिन यदि कभी हमें पावर स्विच की जरूरत पड़ती है, एक होता है पावर स्विच जो कि बोर्ड स्विच में ही आ जाता है, वहाँ पर हम लोग 16 एम्पियर यूज करते हैं। 16 जैसे मान लीजिए प्रेस लगाना हो गया, हीटर लगाना हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तो वहां पे हमें पावर स्विच की जरूरत पड़ती है जो कि 16 एम्पीयर होती है। ये होता है हमारा बोर्ड स्विच। अब हम बात करते हैं बेल स्विच के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा बात करते हैं हम बेल स्विच के बारे में, बेल स्विच जो होता है हमारा 6 एम्पियर का होता है। ये जो गेट के बाहर मतलब अपने घर के बाहर हम लोग लगाते हैं, जब भी कोई गेट पर आता है तो वहाँ पे जैसे ही दबाता है तो हमें घर के अंदर घंटी बजती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे गेट पर कोई आया हुआ है। तो ये होता है हमारा बेल स्विच। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मॉड्यूलर स्विच के बारे में। दोस्तों, जो मॉड्यूलर स्विच होता है ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का स्विच होता है। जैसे अब यदि आप अपने घरों में वायरिंग करा रहे हैं या फिर सोचते हैं कि आपके घर में थोड़े से अच्छे अच्छे स्विच बोर्ड लगे, तो वहाँ पे आप मॉड्यूलर स्विच का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मॉड्यूलर स्विच होता है जो कि 10 एम्पियर से स्टार्ट होता है, लगभग में यहाँ पे यह 60-70 एम्पियर तक आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। यदि आप एक अपने घर में अच्छा वाला स्विच लगाना चाहते हैं, प्रीमियम क्वालिटी का स्विच लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप मॉड्यूलर स्विच का यूज कर सकते हैं, जो कि अभी में बहुत ज़्यादा चलन में होता है। ये होता है मॉड्यूलर स्विच। अब बात करते हैं लास्ट वाले में, होता है टू वे स्विच। यह दोस्तों जनरली हमारा 6 एम्पियर का होता है। इसका यूज हम लोग सीढ़ियों पे करते हैं, जैसे सीढ़ियों पर आने जाने के लिए वहाँ पे होता है, या टू वे होता है, मतलब कि एक किसी भी तरह से ऑन और किसी भी तरफ से इसको ऑफ किया जा सकता है। इसको होता है टू वे स्विच होता है। तो कुछ ऐसे ही स्विच होते हैं जो कि हम लोग जनरली अपने घरों में यूज करते हैं। अब आप जान गए होंगे कौन सा स्विच कितने एम्पियर का होता है और कहाँ पे आपको कौन सा स्विच लगाना चाहिए और कितने एम्पियर का लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।